जापान के पेंटर ने 19 साल पहले बनाई थी यह पेंटिंग। नीलामी में 177 करोड़ रुपए मिले। जापानी पेंटर योशितोमो नारा ने साल 2000 में एक कार्टून गर्ल की पेंटिंग बनाई थी, जिसकी नीलामी 6 अक्टूबर को हांगकांग के मॉडर्न आर्ट कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस नीलामी में यह पेंटिंग रिकॉर्ड 177 करोड़ रुपए में बिकी। यह योशितोमो द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। नाइफ बिहाइंड बैक नाम की इस पेंटिंग को खरीदने के लिए 6 लोगों ने बोली लगाई थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यह बोली महज 10 मिनट में ही खत्म हो गई और पेंटिंग बिक गई। सोथेबी नीलामी घर ने इस पेंटिंग की जो कीमत तय की थी उससे 5 गुना अधिक इसकी बोली लगाई गई। इससे पहले भी योशितोमो नारा ने कई ऐसी पेंटिंग बनाई है जो काफी चर्चा में रही है। साल 1991 में उन्होंने लड़की के हाथ में चाकू वाली पेंटिंग बनाई थी, जिसे सैन फ्रांसिस्को के म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया था। योशितोमो नारा ने साल 1999 में भी स्लीपलेस नाइट कैट शीर्षक वाली एक लड़की की पेंटिंग बनाई थी, जो करीब 31 करोड़ रुपए में बिकी थी। उनकी पेंटिंग एशिया में पेंटिंग के शौकीनों के बीच खूब लोकप्रिय है।